जैन साथियों, उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक आ रहे हैं और ये उम्मीद लगाई जा रही है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्तियों का आगाज होने जा रहा है या निकट भविष्य में आपके लिए कई शिक्षक भर्तियां देखने को मिलेंगी, जिसमें प्राइमरी में भी देखने को मिल सकती हैं क्योंकि उम्मीद लगाई जा रही है। साथ ही साथ अगर हायर की बात की जाए, अगर माध्यमिक की बात की जाए, उनमें भी भर्तियों को पिटारा खुल सकता है। लेकिन अब जो भर्तियां होनी है वो शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से होनी है, माने एक आयोग है जो सभी बेसिक से लेकर हायर एजुकेशन तक सभी भर्तियों को वो करने जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ ये कहा जा रहा है जो एलटी ग्रेड का था, एलटी ग्रेड की परीक्षा जो होगी ये अभी तक की उम्मीद लगाई जा रही है शिक्षा सेवा चयन आयोग कराएगा। लेकिन जो अभी जो समय चल रहा है, जो परिस्थितियां बनी हुई लग रहा है फिर से कि उत्तर प्रदेश का लोक सेवा आयोग कराएगा। इस सब भर्ती में जो हिस्सा ले सकते हैं, जो भर्ती है वो केवल बीएड के अभ्यर्थी इसमें हिस्सा ले सकते हैं, इसमें बीएड के जो अभ्यर्थी हैं वो हिस्सा ले पाएंगे और बीटीसी के अभ्यर्थी, डीएलएड के अभ्यर्थी इसमें हिस्सा नहीं ले पाएंगे। अगर बात करें एलटी की, अगर हम एलटी की बात करें कि सर एलटी की जो परीक्षा होनी है या एलटी के लिए जो आवेदन करेंगे, क्या उसके लिए टेट पास होना जरूरी, एक सवाल आपके मन में आता है, क्या उसके लिए टेट पास होना जरूरी? जी नहीं, उसके लिए टेट की अनिवार्यता नहीं। मैंने अगर एलटी ग्रेड में फॉर्म भरा, जैसे एलटी ग्रेड हुआ, टीजीटी हुआ, पीजीटी हुआ, खंड शिक्षा अधिकारी हुआ, इन परीक्षाओं में आवेदन करने के लिए या इनमें परीक्षा देने के लिए आपको टेट की जरूरत नहीं है कि आप जूनियर का टेट पास हो तभी आप दे पाएंगे। अगर आप बीएड के अभ्यर्थी हैं, अगर आपने बीएड किया हुआ है तो आप इन परीक्षाओं में आवेदन कर सकते हैं। अभी उम्मीद लगाई जा रही है चुनाव से पहले आपको भर्ती देखने को मिल सकते हैं और मिलेंगे भी, ऐसी उम्मीद है। तो बार बार आपको लगता है सर आप जब आते हैं भर्ती की बात करते हैं, देखिए उम्मीद पर दुनिया टिकी है और उम्मीद पर ही चंद्रमा पर पहुंच पाए थे। क्या पहले से कोई उम्मीद कर रहा था कि चंद्रयान भारत का जाएगा और चंद्रमा पर लैंड कर जाएगा, क्या वहां जाकर उसका डेमो हुआ? ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मतलब जो पूरी प्रक्रिया थी उम्मीदों की थी और उसी उम्मीद के तहत हम चंद्रयान पर भी पहुंचते हैं, चंद्रमा पर चंद्रयान पहुंचता है और अब हम अपने भविष्य पर भी उसी कल्पनाओं की उड़ान में चलेंगे। बाकी उनके लिए नहीं है जो इस बात का इंतजार कर रहे हैं भर्ती आएगी तब पड़ेगी, आज की जो वीडियो हमारी है वो उनके लिए जो लगातार पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है भर्ती एक न एक दिन आनी है, लेकिन तैयारी एक न एक दिन में नहीं हो पाएगी। तैयारी सतत प्रक्रिया है जो लगातार आपको करते चलना है जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए। और उसी प्रकार आज के सेशन में एक न्यूज पेपर कटिंग आपने देखा होगा, वैसे आप ये मान के चलिए अगर आप बीटीसी या बीएड है तो अपनी तैयारी जारी रखिएगा, क्योंकि आपको टीजीटी पीजीटी में मौका मिलने के साथ एलटी में खंड शिक्षा अधिकारी, चार बड़ी ऐसी परीक्षाएं जो आपको उत्तर प्रदेश में चुनाव तक देखने को मिल सकती हैं, जिसमें बीसी छह विभाग में है और टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड और खंड शिक्षा अधिकारी केवल बीएड के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ अगर बीएड की बात की जाए तो फिर से मैं अपनी बात दोहराऊंगा, टीजीटी पीजीटी बीओ और एलटी ग्रेड आपको देखने को मिलेगा। जो बीटीसी डीएलएड के अभ्यर्थी हैं उन्हें जूनियर भी मौका देखने को मिल सकता है, लेकिन बेसिक के लिए प्राथमिक के लिए केवल केवल बीटीसी ही इजबल है। अब ये बातें साफ स्पष्ट हो गई सुप्रीम कोर्ट से, उसके बाद अन्य से बहुत सारी बातें आप बना सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन जो सच्चाई के परे है। अगर बात करें राज्य की जो विद्यालय हैं उन विद्यालयों में बढ़ेंगे शिक्षकों के 1298 पद, आइए इस बात पर भी डालते हैं कि राज्य के विद्यालय में जो बढ़ेंगे शिक्षकों के 1298 पद, इसमें 71 इंटरमीडिएट, 13 राजकीय हाईस्कूल में सृजित होंगे पद, इन स्कूलों में प्रधानाध्यापक व प्रधानाचार्य के 84 पद भी बढ़ेंगे। तो ये एक मोटी मोटी बात है। और एक बात यहाँ पे साफ, अगर आप देखेंगे ध्यान से, 2020 के बाद से नहीं हुई शिक्षकों की भर्ती। अगर बात की जाए कि 2020 के बाद से जो एलटी ग्रेड था उसकी भर्ती परीक्षा नहीं हो पाई, इसमें साफ साफ कह रहा है राज्य के विद्यालयों में आखिरी बार 2020 में प्रवक्ता की भर्ती हुई थी, उस समय बालक वर्ग में 991 और बालिका वर्ग में 482 पद पर नियुक्ति हुई थी। वहीं सहायक अध्यापकों में एलटी ग्रेड की भर्ती की बात कीजिए जो 2018 में हुई थी, उस समय आयोग ने बालक वर्ग के लिए 5364, मतलब लगभग 5300, माने 5364 पद बालक वर्ग के लिए और बालिका वर्ग के लिए 5404 पद, कुल 10000, मतलब अगर देखा जाए तो कुल 10768 पदों पर जो एलटी ग्रेड की भर्ती हुई थी, कि एलटी ग्रेड की भर्ती 10768 पद पर हुई थी, जिसमें 5364 बालक वर्ग के लिए और 5404 बालिका वर्ग के लिए। इसमें भी बहुत सारे ऐसे पद थे जो रिक्त रह गए थे, क्वालिफाई क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि इसमें ध्यान दीजिएगा जो एलटी ग्रेड का जो सिलेबस, इस पर भी मैं विस्तार चर्चा कर लूंगा आगे, ये जो सिलेबस होता है ये 40+80 का होता है, मतलब यूं कह सकते हैं कि एक लाइन में समझते हैं, इसमें जीएस के साथ साथ आपका जीएस हो गया प्लस आपका सब्जेक्ट है, मतलब यहाँ पे जीएस साथ साथ आपका सब्जेक्ट है और आपको मिनिमम क्वालिफाई करने के लिए इसमें 40% अंक लाना भी अनिवार्य था। हो सकता है आगे ये 50-55 कर दिया जा सकते हैं या 35 भी किया जा सकता है, ये अब
निमौली के साथ होगा, लेकिन हाँ यहाँ उम्मीद ये लगाई जा रही है, अंदेशा लगाया जा रहा है कि 40% आपको लाना था। अगर 150 नंबर का पेपर है तो उसमें 60, अगर 100 मानना एक तरह से, अगर 150 नंबर के पेपर है तो इसका जो मिनिमम क्वालिफाई था वो 60 नंबर आपको लाने ही लाने थे। वैसे इस पर मैं आगे चर्चा करूंगा जिसके सिलेबस की तरफ मैं बढ़ूंगा, फिलहाल अभी के लिए इतनी चाहिए आपके लिए। तो यहाँ पर एकदम बातें साफ हैं कि एलटी ग्रेड में अगर देखा जाएगा तो अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारे ऐसे विषय थे जिन्हें पद भी खाली रह गए थे, वो हम बाद में बात करेंगे, आगे चलकर बात करेंगे। तो यहाँ पर माइनस मार्किंग भी रहता है, मतलब इस परीक्षा में एक तरफ तो मिनिमम क्वालिफाई अंक भी है और साथ साथ नकारात्मक अंक भी है, मान ये दोनों चीजों के साथ आपको पार करके अंतिम रूप में सिलेक्शन लेना। मतलब ये साफ ये बताने का प्रयास कर रहा है कि 2020 के बाद 2018 में के बाद से एलटी ग्रेड की कोई भर्ती नहीं हुई है, 2020 के बाद प्रवक्ता की भर्ती नहीं हुई है, मैंने दोनों बात एकदम साफ होगी कि अब एक बड़ी भर्ती का आगाज आपके सामने हो सकता है। अगर जो बीएड के भर्ती अपने विषय और अपनी तैयारी को फिर से जारी रखना शुरू करें, आगे अगर हम बात करेंगे यहाँ पे ये साफ साफ कह रहा है कि प्रदेश के नव निर्मित जो राजकीय विद्यालय में शिक्षकों के लगभग 1298 पद बढ़ने वाले हैं। अब 2023-24 में खुले 71 राजकीय इंटर कॉलेज और 13 हाईस्कूलों में प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों के कुल 1298 पदों का सृजन निदेशालय की ओर से भेजा गया है। मंजूरी मिलने के बाद रिक्त पदों का अध्याचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भेजा जाएगा ताकि इन पदों पर नियमित शिक्षकों की नियुक्ति हो सके। माने एक बात स्पष्ट सामने दिख रहा है कि अब फिर से यूपीपीएससी माने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एलटी ग्रेड की भर्ती परीक्षा तैयारी कराने की तैयारी कर रहा है। लेकिन इतने पद बढ़े हैं, ध्यान समझिएगा, 1298 पद बढ़े हैं, लेकिन जो पदों पर विज्ञापन होगा उम्मीद लगाई जा रही है कि 10,000 के आसपास इन पदों पर विज्ञापन हो सकता है। ये पद बढ़े हैं जो नए कॉलेज कब स्थापना हुई उनको लेकर है, तो ये बात अपने मन में बैठा लीजिएगा, ध्यान में रख लीजिएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे है कि शिक्षकों के संबद्ध कर पढ़ाई कराई जा रही है। 17 में विभिन्न जिलों में 53 राजकीय इंटर कॉलेज, एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज, 17 प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत 71 इंटर कॉलेज खुले और इसमें प्रत्येक विद्यालय में प्रवक्ता के 10-10 कुल 710 और सहायक अध्यापक के 497 शिक्षकों की नियुक्ति होनी, मैंने जो नए कॉलेज खुले हैं उनमें लगभग 1298 पदों पर नियुक्ति होनी है, यह बात साफ कह रहा है। इसके अलावा 13 राजकीय हाईस्कूलों में प्रत्येक में 7-7 के हिसाब से 91 सहायक अध्यापक की आवश्यकता है। इस प्रकार प्रवक्ता और सहायक अध्यापक को कुल मिलाकर 1298 पद सृजित हैं। इसके साथ साथ इंटर कॉलेज में 71 प्रधानाचार्य और हाईस्कूल में 13 प्रधानाध्यापक भी नियुक्ति होगी। उसके अलावा 536 बाबू और चपरासी की भी नियुक्ति होनी है, माने अब यहाँ पे शिक्षकों के साथ साथ बाबुओं की चपरासियों को भी नियुक्ति होनी, जिनकी संख्या लगभग 550-536 के आसपास बताई जा रही है। चपरासी के लिए भी 536 पद भी भर्ती होगी। चतुर्थ श्रेणी या स्लीपर के लिए 381, 71 वरिष्ठ सहायक और 84 कनिष्ठ सहायकों की नियुक्ति पर प्रस्ताव भेजा जा रहा है। मतलब ये सभी लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्ति होगी, जबकि लिपिक की पदों पर जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है उसके माध्यम से नियुक्ति होनी है। तो एकदम बातें साफ स्पष्ट है कि जो बीएड के अभ्यर्थी हैं, जो विषय और अपनी तैयारी कर रहे थे, वो अपनी तैयारी को जारी रखें, क्योंकि इसके लिए भी अगर एलटी ग्रेड की बात करें जीएस बहुत अहम है, और जीएस के साथ साथ जो आपका विषय है इस विषय के लिए मैं आपसे फिर से कहूंगा, जैसे कोई सोशल से है या साइंस से है या मैथ से है, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखें कि आप अपने विषय को पहले तो एनसीईआरटी कवर कर लीजिएगा। इसलिए मैं सबसे पहले आपको यही कहूंगा कि भैया एनसीईआरटी को फोकस कर लीजिए, क्योंकि बिना एनसीईआरटी का आपका सिलेक्शन नहीं होना, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर और एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आप किसी किताबों की तरफ फोकस करेंगे, क्योंकि जब प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ने के बाद एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो आपको यह समझ में आएगा एनसीईआरटी पढ़नी कैसे, एनसीईआरटी काफी मोटी मोटी हो जाती है। अगर आपको लगता है कि एनसीईआरटी के नोट्स आपको चाहिए, इलानी बी दुर्गेश के नोट्स भी आपको मिल सकते हैं, जिस पर आप पहले व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं, पूरी कंप्लीट एनसीईआरटी की नोट्स यहाँ पर है, ठीक है। मैं स्वयं वहाँ पे पढ़ लेता हूँ क्योंकि मुझे भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि बिना एनसीईआरटी का सिलेक्शन तो नहीं होना है, ठीक है। और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो ये नंबर शायद आपके काम आ जाए, क्योंकि नोट संबंधित यहाँ पे आपको जानकारी मिल सकती है। और इसके अलावा भी अगर आपके मन में बहुत सारे सवाल बहुत सारे प्रश्न आ रहे होंगे तो आप अपनी तैयारी किस प्रकार से करेंगे, देखिए किसी कोचिंग भरोसे जाने से बढ़िया ये सेल्फ स्टडी पर फोकस करिए, जितना बढ़िया सेल्फ स्टडी होगा उतना आपके लिए बेहतर होगा। एनसीईआरटी किताबें काफी मोटी होती है, उनको पढ़ने में अगर आपको लगता है आपका समय ज्यादा लग जाएगा, चीजें समझ में नहीं आ रही, तो शॉर्ट में अगर पढ़ना है तो नोट्स ले सकते हैं जो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में उपलब्ध है। विषयवार खासकर जो साइंस के अभ्यर्थी हैं, सोशल के हैं, यहाँ तक कि कॉमर्स के भी एनसीईआरटी उपलब्ध है लेने में दुर्गेश पर, और ये पूर्ण रूप से एनसीईआरटी का और ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी को मिला करें, ऐसे आपको ओल्ड एनसीईआरटी अलग पढ़नी होगी न्यू अलग, क्योंकि कुछ के सिलेबस ऊपर नीचे हुए हैं, तो यहाँ पर दोनों के नोट्स आपको मिल जाएंगे पूरे अपडेटेड। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं पेज को फॉलो करिएगा, ध्यान रहे टेलीग्राम पर आप दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग पे दुर्गेश पर जुड़ सकते हैं, और इस एलटी ग्रेड में आप जो भी पद है उस पद पर मैं फिर से बताना चाहूंगा केवल बीएड के अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे, बीटीसी और डीएलएड के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए केवल प्राथमिक के दरवाजे खुले हैं, और
जूनियर की भी बात की जा रही है कि जूनियर में भी आवेदन कर सकते हैं। तो आप अभी से लग जाइए क्योंकि देखिए अध्याचन शुरू हो चुका है और भर्ती कभी भी हो सकती है और परीक्षा में जब भर्ती खुल जाएगी तो समय कम मिलेगा, ये पूरी उम्मीद लगाई जा रही चुनाव से पहले आपको एलटी ग्रेड में। ये तो नए पदों के सृजन के लिए 1298 पद, लेकिन जब भर्ती प्रक्रिया आएगी तो हो सकता है वो 10,000 के आसपास हो। इसलिए इसका जीएस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जीएस सबको पढ़ना है, जीएस की भी प्रॉपर नोट्स इलानी पे दुर्गेश उपलब्ध है जो केवल जीएस के लिए पढ़ सकते हैं। मैंने पहले बताया जीएस प्लस सब्जेक्ट, तो जीएस के भी प्रॉपर नोट्स लोक सेवा आयोग के माध्यम से उपलब्ध है जो प्रीवियस ईयर पेपर के आधार पर है, वो आप कंप्लीटली इलानी पे दुर्गेश से प्राप्त कर सकते हैं। शॉर्ट नोट्स है जो आप पूरा कंप्लीटली यहां से देख सकते हैं, साथ ही सब्जेक्ट के जो नोट्स होंगे वो एनसीईआरटी आपको यहां से मिल जाएंगे, विषय के भी मिल जाएंगे। वैसे आप चाहें तो खुद से अपना सेल्फ स्टडी पर फोकस कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर आपके लिए हमारे इंपॉर्टेंट है, खासकर एलटी ग्रेड के लिए। तो भैया हो जाइए तैयार क्योंकि आपके लिए एक बड़ी भर्ती आपका इंतजार कर रही है, और उनके लिए जिनको सिलेक्शन लेने की पद बड़ा कम आता है और लोग ज्यादा है, तो हो सकता है कुछ को लगेगा भर्ती नियर हम नहीं पढ़ेंगे, तो उनके लिए न्यूज नहीं है, उनके लिए अखबार की कटिंग नहीं है। ये उनके लिए जिनको वास्तव में पढ़ना है, जिनको लग रहा है उनको अंत में सिलेक्शन लेना है, और यकीन मानिए आप सिलेक्शन जरूर पाएंगे अगर आप इसी तरह से अपना बेस्ट और बेहतर देते रहेंगे। यकीन मानिए अपने खुद पर भरोसा रखिएगा, इसके लिए कोई टेट की जरूरत नहीं। कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं टेट पास होना चाहिए, जी नहीं, इसके लिए टेट एलटी ग्रेड टीजीटी पीजीटी की पदों के लिए बीओ के लिए आपको टेट की जरूरत नहीं होती, केवल जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए और प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए आपको प्राइमरी के लिए प्राइमरी का टेट, जूनियर के लिए जूनियर का टेट आपको जरूरत पड़ती है, बाकी आपको टेट की जरूरत कहीं नहीं पड़ेगी, और केवल केवल बीएड के भर्ती आवेदन कर पाएंगे, यह बात आप जानते रहिएगा। ठीक है, थैंक यू सभी का, वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिएगा, एज ए गेस्ट के रूप में जब भी मुझे मौका मिलता है हम आपके लिए सेशन हम लेकर आते रहते हैं और बनाए रहते हैं। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद। हाँ, फेसबुक पे देख रहे हैं, फॉलो करिए, कोई व्यक्तिगत सवाल इलानी में दुर्गा इंस्टाग्राम पे अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। थैंक यू। अच्छा, एक सवाल है कि आपका विषय कौन सा है और किस विषय से तैयारी कर रहे हैं, मतलब एलटी में आपका कौन सा विषय होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू।